ऊपर की फोर सेलिंग दिखाएं, बहुत जबरदस्त है। और मेन चीज ये है, देखिए छोटी अपना छोटे इन्वेंट्री के अंदर आप देखें, इन्होंने ड्राइंग रूम भी अच्छा दिया हुआ है, आपके मेहमान है यहाँ पर सेफ रह सकते हैं, दीवारें देखें उन्होंने मेंटेन की है, एलईडी लगा सकते हैं। आप ये अंदाजा लगाएं, देखें 40 से 45 लाख रुपए का आपको फ्लैट मिलता है जिसमें आपकी छत अपनी नहीं होती। कैमरा में छत दिखाए, ये आपकी अपनी छत है और यहाँ पे आप ऊपर चाहें तो ग्राउंड प्लस वन इसको कर सकते हैं। सही है। अच्छा मुझे पता है यहाँ से इसके अंदर भी टैंक वगैरह मौजूद है, इसमें भी तमाम चीज एज इट इज मौजूद है। देखिए अच्छा पानी की मोटर की जगह है, यहाँ मोटर लगा के देंगे। ठीक है, अच्छा मोटर आप लगा के देंगे, करा के देंगे तमाम। ये पूरा एक रूम है, बेडरूम आप देख सकते हैं, साफ सुथरा बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्ट के अंदर के दो भाई होते हैं अगर मैरिड और दोनों अगर उनको वॉशरूम चाहिए तो दोनों, देखिए एक रूम ये दिखाएं और एक रूम देखें ये वाला जिसको हम देख के आए, ये वाला रूम है। तो इसके लिए क्या होगा कि आप ये जो वॉशरूम है ये वाला, ठीक है, ये दोनों भाई इसको यूज कर सकते हैं। भाई पानी के लिए कुछ है स्टोरेज है जी? यहाँ पानी के लिए हमने यहाँ आरसीसी टैंक दिया जिसमें 1800 गैलन आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास आता है बात करता है तो इसकी वेरिफिकेशन कहाँ से होती है? इसकी वेरिफिकेशन होती है केडीएस से, सिविक सेंटर से, छठे फ्लोर पे आप जाएं वेरीफाई कराएं, क्योंकि ये 99 साल लीज है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सीटीसी नहीं, इनलीगल एक्टिविटी का कोई भी टाइटल इसमें मौजूद नहीं है। गरीबों के लिए बंगला, मतलब के लोग 120 गज का देखते हैं, 80 गज का देखते हैं, आज आपको दूंगा मैं 64 गज का तैयार बंगला जिसके अंदर वो तमाम सहूलत मौजूद है जो 80 और 120 गज। हमारा बेडरूम ये आ जाता है जो कि पीछे डग है, वॉशिंग एरिया जिसको हम कहते हैं, इसी के साथ हमारा वॉशरूम है जो दोनों रूम से अटैच हो जाता है, हमारा कॉमन वॉशरूम आ गया। इसी के पास 5 से 10 लाख रुपए मौजूद है तो उनके लिए भी इनके पास कमर्शियल दुकानें मौजूद हैं। हमारे पास 64, 84, 124 गज के मकान मौजूद है जिसमें 12 मीटर, 6 मीटर और 6 का कॉर्नर, 12-6 का कॉर्नर भी मौजूद है, जिसमें 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है। आए 10% से एग्रीमेंट करें, उसके बाद 3 महीने के अंदर पूरी पेमेंट दें और अपने हैंड ओवर मकान हासिल करें। और गैस बिजली पानी मौजूद है, जो हमने लास्ट अभी आपको विजिट कराया है, उनके लिए हमने छोटा बंगला निकाल दिया है। किचन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर चिमनी दी हुई है, यहाँ पर इन्होंने आप देखें यहाँ से सूरा, ये देखिए बेसन यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। इसके अलावा सर मकान नंबर इसका 1076। देखिए भाई ये जो आपको मकान नंबर नजर आ रहे हैं ना, ये एन कैटेगरी है, ये केडीए के मकान है और केडीए का नक्शा है ये, जिसमें आप यहां पर अपनी बुकिंग अपना मकान खरीद सकते हैं। सॉरी बुकिंग पे आप देख सकते हैं ऊपर 2 छत्ती दी है जिसमें आप अपना सामान भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा मकान नंबर है N1076, सेक्टर 70 केडीए, इसकी 41 सुजानी टाउन। अब जो बड़े बंगलों के ख्वाहिशमंद होते हैं वीडियो में देखते हैं कि हम भी वो खरीदेंगे, लेकिन गरीबों के लिए बंगला निकाल दिया हमने। अपने कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है जी, देखिए कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने बेसन दिया हुआ है क्योंकि, और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ड्राइंग रूम, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हम आपको ड्राइंग रूम दिखाते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम, इसमें भी अमेरिकन किचन मौजूद है। सही है, इसमें आप सिर्फ चूल्हा लगा के यहाँ पे तमाम चीजें देख सकते हैं, कैबिनेट वगैरह सब एक्यूरेट लगे थे। सही है, ये रोड आ रहा है अब्दुल्ला मोड़ से और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ गरीबों के लिए बंगला, मतलब के लोग 120 गज का देखते हैं, 80 गज का देखते हैं, आज आपको दूंगा मैं 64 गज का तैयार बंगला जिसके अंदर वो तमाम सहूलत मौजूद है जो 80 और 120 गज में होती है। मेरे साथ मौजूद अर्शद भाई, अस्सलाम वालेकुम। टाइम विजन मार्केटिंग को ये फॉलो करते हैं और इनकी अपनी वहाँ स्टेट है पावर हाउस चोरंगी पर। तो ये रोड आपको बताया मैंने, आ रहा है अब्दुल्ला मोड़ से। अर्शद भाई क्या लेके आए? हम लेकर आए आपके लिए 64 गज का मकान जो कि वाकई है सुरजानी टाउन सेक्टर 7D में, ब्रांड न्यू आरसीसी जिसकी डिमांड है 55 लाख। अच्छा देखिए ये जो सेक्टर है ये 7C है और इस साइड सेक्टर दिखाएं ये 7B है और मेरे इस तरफ सेक्टर दिखाएं ये 7D है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 99 साल लीज घर, वो भी बिल्कुल तैयार जो कहते हैं KDA। आपको अगर इसकी वेरिफिकेशन करानी है तो सिविक सेंटर चले जाएं 6th फ्लोर के ऊपर, वहां से वेरिफिकेशन कराएं। आज की ये वीडियो होगी उन गरीबों के लिए जो 120 गज के, 400 गज के, 240 गज के बंगले देखते तो हैं लेकिन वो खरीद सकते नहीं है। अब यही बंगले उनको 64 गज के अंदर मिलेंगे, वही सहूलत, वही किचन, वही वॉशरूम, वही बेडरूम, वही ड्राइंग रूम, तमाम चीजें आपको दिखाते हैं अंदर जाके मकान किस तरह का है, उसकी क्या कीमत है, तो हमारे साथ रहिएगा जी। अर्शद भाई कौन सा मकान है? सर ये मकान है सेक्टर 7D में, 64 गज है, ब्रांड न्यू जो आपने बताया था मुझे जी। आ जाए अंदर, आ जाए अंदर, आ जाइए, हम आपको मकान दिखाते हैं सबसे पहले। अच्छा देखिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जो लोग गरीब है जिनको अपना अच्छा बंगला चाहिए होता है उनके लिए हमने छोटा बंगला निकाल दिया है, जो बड़े बंगलों के ख्वाहिशमंद होते हैं वीडियो में देखते हैं कि यार हम भी वो खरीदेंगे, लेकिन गरीबों के लिए बंगला निकाल दिया हमने कि वो भी अब फुल लग्जरी माहौल में अपनी जिंदगी बसर करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं तमाम चीजें आरसीसी यहाँ मौजूद है, जिस तरह हमने 64 गज में एक कॉमन वॉशरूम दिया, ठीक है, और इसी के साथ हमने एक रूम यहाँ पे दिया, ठीक है, हमारा कॉमन वॉशरूम मौजूद है यहाँ पे,
ठीक है जी। अर्शद भाई पानी के लिए कुछ है स्टोरेज है जी? यहाँ पानी के लिए हमने यहाँ आरसीसी टैंक दिया है जिसमें 1800 गैलन आप स्टोर कर सकते हैं। 1800 गैलन मतलब इतना बड़ा टैंक आप चला सकते हैं इसको। इसी के साथ हमने यहाँ स्टोर दिया है, आरसीसी जीना मौजूद है। देखिए स्टोर चेक कर सकते हैं, इसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं जबरदस्त किस्म का। और मजे की बात यह देखिए फुल फोर्स सीलिंग हुई हुई है घर के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग रूम से। ये देखें मेहमानों के लिए आप ड्राइंग रूम देख सकते हैं कि आप अपने यहाँ पर सोफे लगा दें 5 सीटर, ऊपर की फोर सीलिंग दिखाएं, बहुत ज़बरदस्त है। और मेन चीज़ ये है देखिए छोटी अपना छोटे इन्वेंट्री के अंदर आप ये देखें इन्होंने ड्राइंग रूम भी अच्छा दिया हुआ है, आपके मेहमान हैं यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। दीवार देखें इन्होंने मेंटेन की है, एलईडी लगा सकते हैं कि आपको किसी भी शोपीस वगैरह देखिए ना लगा सकते हैं, शोपीस लगा सकते हैं। और ये घर आपके आपकी ये वॉल बहुत जबरदस्त लगेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, आए वसीम भाई आप किचन की तरफ। किचन की तरफ आ जाए, देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लोगों को ये 240 गज में इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, मगर हमने ये 65 गज के मकान में एनवायरनमेंट दिया है। किचन आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने यहाँ पर चिमनी दी हुई है, यहाँ पर इन्होंने आप देखें यहाँ से सूरा ये देखिए बेसन यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। इसके अलावा ये देख सकते हैं मतलब कि 80 गज और 120 गज के अंदर जो किचन होता है इन्होंने 64 गज के अंदर इतना ज़बरदस्त किचन दे दिया, जिसके अंदर आप फैमिली आराम से अपना इसमें अपना काम कर सकेंगे। और छोटा किचन भी है छोटी फैमिली के लिए। अच्छा इसी के साथ अदनान भाई हमने यहाँ 2 बेडरूम दिए हैं, इधर आए इसमें से एक हमारा बेडरूम ये आ जाता है जो कि पीछे डग है वॉशिंग एरिया जिसको हम कहते हैं। इसी के साथ हमारा वॉशरूम है जो दोनों रूम से अटैच हो जाता है, ये हमारा कॉमन वॉशरूम आ गया। इसी के साथ ये वेंटिलेटर हमने दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऊपर 2 छत्ती दी है जिसमें आप अपना सामान भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा मजे की बात ये देखें 2 बेडरूम देने का मकसद क्या है कि किसी के घर में अगर मिसाल 2 भाई हैं और दोनों मैरिड हैं तो उनके लिए एक रूम यहाँ पर है और एक रूम देखें यहाँ पर है। इधर आ जाए, ये देखिए कैमरा मैन आया जरा जल्दी, ये देखें एक रूम यहाँ पर है। अब मिसाल है फोर सीलिंग आप देख सकते हैं, हमने बिल्कुल इसको बहुत चाहत से बनाया है। एक इंसान अपने लिए रिहाइश के लिए मतलब कि अर्शद भाई बेंगलोर विला 2 बेडरूम वाले आराम से देखें इस तरह का ये वॉशरूम यूज कर सकते हैं कॉमन जी, ताकि दोनों की प्राइवेसी खराब ना हो। ये इन्होंने वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, जनरेटर फिटिंग मौजूद है, बहुत जबरदस्त आउट क्लास बनाया हुआ है। यहाँ गैस बत्ती पानी तमाम चीजें मौजूद हैं और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बिल्कुल सुकून के साथ रह सकते हैं। अच्छा अर्शद भाई इसकी कीमत वगैरह क्या है? इसकी कीमत हमने रखी है जो डिमांड है हमारी वो 55 लाख की, क्योंकि ये KDA लीज मकान है, 99 साल 65 गज का इसका साइज है और ये नेक्स्ट टू कॉर्नर और नियर इसके स्टॉप मौजूद है। इसकी फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपके पास आता है बात करता है तो इसकी वेरिफिकेशन कहाँ से होती है? इसकी वेरिफिकेशन होती है KDA से सिविक सेंटर से, 6th फ्लोर पे आप जाएं वेरीफाई कराएं, क्योंकि ये 99 साल लीज है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका CTC नहीं, इनलीगल एक्टिविटी का कोई भी टाइटल इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि हम प्लॉट लेके इसको पिलर पे बनाते हैं, इसमें तमाम चीज़ें RCC मौजूद है। अच्छा देखिए भाई ये है 64 गज का गरीबों का बंगला, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यार लोग 80 गज 120 गज देखते हैं, उसके अंदर इस तरह की इन्वायरमेंट मांगते हैं कि इस तरह सा बेडरूम हो हमारा, फोर सीलिंग हो, अमेरिकन किचन हो, वॉशरूम दो दो हो, कॉमन अलग हो, अटैच बाथरूम हो, तो ये सब चीज़ें तमाम देख सकते हैं। भी इंक्रीज हो रही है, आज से हमें 13 साल हो गए सुरजानी में काम करते हुए, जिसमें Sector 4A, 7B हम दीगर इलाकों में मकान बनाते हैं शौक के अंदर, ठीक है। तो जो मकान हमने 7D में भी 33 लाख का सेल आउट किया था, तो आज आपके सामने इसकी डिमांड 55 लाख के चंद 3 साल से 4 साल के अंदर, और स्टाफ से 2 मिनट की ड्राइव पर है। आप अगर ग्रीन बस से भी आप आएंगे तो आपको मैक्सिमम बाइक के ऊपर 2-3 मिनट लगेंगे, तो आप आराम से अपने कदम के गुंजाइश पे आप देखेंगे आपको खान कुछ मिल जाता है। गैस बिजली पानी तमाम चीजें मौजूद है। असल इसके अलावा एक और मकान भी है जी, बिल्कुल हम आपको एक और मकान दिखाते हैं वो किस तरह का है। हाँ। अदनान भाई आप देख सकते हैं जैसा कि ये नियर इसके 40 फीट का रोड मौजूद है, है और ये हमारे मकान मौजूद हैं। इस गली को हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि गली की यहाँ मेजोरिटी क्या है। अंदर चलते हैं, साथ आपको हम अपना ये मकान भी दिखा जाए, अंदर आ जाए। अच्छा सेम ये भी इसी कंडीशन पे मौजूद है, सही है। हमारे पास 64, 84, 124 गज के मकान मौजूद है जिसमें 12 मीटर 6 मीटर और 6 का कॉर्नर 12 6 का कॉर्नर भी मौजूद है, जिसमें 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है। Sector 4A, Sector 7B सुरजानी टाउन Sector 7D में, सही है। तो अच्छा मुझे पता है यहाँ से इसके अंदर भी टैंक वगैरह मौजूद है, इसमें भी तमाम चीजें SZDs मौजूद हैं। देखिए अच्छा पानी की मोटर की जगह है, यहाँ मोटर लगा के देंगे, ठीक है। अच्छा मोटर आप लगा के देंगे, करा के देंगे, तमाम चीजें यहाँ मौजूद हैं, सही। तमाम लाइटें ये स्टोर है यहाँ पर ऑन मिलेगी, ये स्टोर दिया हुआ है। देखिए भाई ये स्टोर रूम दिया हुआ है, आप अपना यहाँ पर फालतू सामान वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम अमेरिकन किचन तमाम जगह देते हैं, क्योंकि हम टैंक भी RCC दे रहे हैं, टंकी भी RCC दे रहे हैं। अच्छा यहाँ एक आपने कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है जी, देखिए कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने बेसन दिया हुआ है, क्योंकि और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ड्राइंग रूम, बिल्कुल ऐसा ही। ये देखिए हम आपको ड्राइंग रूम दिखाते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम है, सामने आप LED लगा लें, मेहमानों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, उनके लिए सेपरेट वॉशरूम है।
यहाँ इन्होंने एक वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी दी गई। बिल्कुल हर चीज़ यहाँ एक्यूरेट मौजूद है कि आपको हवा की तंगी ना हो, किसी भी चीज़ की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सही है। अच्छा अब मुझे बताएं कि अर्शद भाई इसके अंदर भी वही किचन मौजूद है जिस तरह था? जी बिल्कुल वही मौजूद है, इसमें भी अमेरिकन किचन मौजूद है। सही है। इसमें आप सिर्फ चूल्हा लगा के यहाँ पे तमाम चीज़ें देख सकते हैं, कैबिनेट वगैरह सब एक्यूरेट लगे हुए हैं। सही है, मतलब के अमेरिकन किचन दे रहे हैं फुल। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यहाँ पर मौजूद है फुल टाइल मार्बल मौजूद है ये। सही है। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा एक रूम है, बेडरूम आप देख सकते हैं साफ सुथरा बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्ट के अंदर कि दो भाई होते हैं अगर मैरिड और दोनों अगर उनको वाशरूम चाहिए तो दोनों, देखिए एक रूम ये दिखाएं और एक रूम देखें ये वाला जिसको हम देख के आए, ये वाला रूम है। तो इसके लिए क्या होगा कि आप ये जो वाशरूम है ये वाला, ठीक है, ये दोनों भाई इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि भाई 64 गज के जो घर होते हैं वही 80 और 120 के नक्शे के ऊपर बने हुए होते हैं, इसी तरह से डक बना हुआ होता है और वही वाशरूम होता है दो। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये 99 ईयर्स लीज होते हैं सर? बिल्कुल 99 साल लीज है। दूसरी चीज़ आप इसको ग्राउंड प्लस 2 ले जा सकते हैं, इसका मटेरियल आप चेक कर सकते हैं, पिलर हम चेक करा सकते हैं, आपको सरिया चेक करा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारी और साइडें मौजूद हैं जो इस टाइम काम स्टार्ट। अच्छा देखिए रूम का साइज भी काफ़ी बड़ा है और ये मुझे बताएं कि अरशद भाई के 64 गज के अंदर ये साइज होता है ये 19x30 होता है? ये तकरीबन 19.5 जो है 30 होता है। 30 होता है। और देखिए इसकी जो वेरिफिकेशन होती है वो होती है सिविक सेंटर 6 फ्लोर पर KDA में, ताकि कोई ये ना सोचे कि यार कोई चाइना कटिंग है या कोई गोट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका आप सर्च भी निकलवा सकते हैं कोर्ट से चाहें तो, ये हर चीज़ मौजूद है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ से क्लियर। 99 साल लीज है। देखें आप वेरिफिकेशन करें, आपको अगर अच्छा लगता है आप वहाँ जाएँ, 3 महीने का पेमेंट टाइम होता है, आप इनके पास आएँ 10% से एग्रीमेंट करें, उसके बाद 3 महीने के अंदर पूरी पेमेंट दें और अपने हैंड ओवर ये मकान हासिल करें। और गैस बिजली पानी मौजूद है? अर्शद भाई मुझे बताएं कि क्या इसका आपके ऑफिस का क्या तरीके का रहे, ऑफिस आपका कहाँ पर है? ऑफिस पावर ऑफ चौरंगी पे मौजूद है और जिसमें आप आके विजिट कर सकते हैं, हम आपको खुद से विजिट कराएंगे, अपनी साइड तमाम चीज़ें जो आपकी रेंज है वो लेकर आएं। अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो 25 से 30 लाख की रेंज लेकर आते हैं तो उसको RCC तो नहीं कंपनी कंडीशन हम मकान निकाल के सौजाही टाउन में दे सकते हैं। अच्छा और मजे की बात ये है किसी के पास 5 से 10 लाख रुपये मौजूद है तो उनके लिए भी इनके पास कमर्शियल दुकानें मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद। कमर्शियल दुकानें भी आपके पास हैं ताकि आप 5 साल के टाइम में भी मकान मौजूद हैं जो कि 99 साल लीज है, वहाँ भी गैस बत्ती पानी तमाम सहूलियात मौजूद हैं, आबादी मौजूद है, वहाँ 6 से 8 लाख के दरमियान में भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, देखें 40 से 45 लाख रुपये का आपको फ्लैट मिलता है जिसमें आपकी छत अपनी नहीं होती। कैमरा में ज़रा छत दिखाएं, ये आपकी अपनी छत है और यहाँ पे आप ऊपर चाहें तो ग्राउंड प्लस 1 इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। और देखिए यही फ़र्क होता है मकान के अंदर और इसके अलावा दुकानों के उसने अपार्टमेंट के अंदर। अब देखें ये जो बिल है ये इनका अपना बिल है, कैमरामैन ज़रा दिखाए, देखें भाई मकान नंबर है N1076। बिल्कुल ऐसा, देखें 70 सेक्टर 70 KDA स्कीम 41 सुजानी टाउन। अब ये जो बिल आया हुआ है 2501 रुपये का बिल है, 123 यूनिट का, जो ये आपको पे करके देंगे। इस तरह का बिजली का भी है पानी का भी है। अब हम आपको लेके चलते हैं इनके ऑफिस में ताकि ऑफिस की लोकेशन आप देख लें, आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ इनके ऑफिस में आएँ। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी जहाजवाड़ी चौरंगी पर टाइम विजन का एक ऑफिस है इनका, वहीं चलते हैं और बकाया डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर वहीं से जाके लेते हैं। देखिए मेरे पीछे ये पावर हाउस चौरंगी है और ये है टाइम विजन का ऑफिस, जिसके आप मकान जो आपने देखा है उसके लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और जिधर चलते हैं चैम्बर में, अर्शद भाई से बात करते हैं। आ जाए ये देखें, ये हम आ गए हैं ऑफिस के अंदर बिल्कुल और अरशद भाई यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। अरशद भाई ये आपका ऑफिस है, मैंने बता दिया भाई टाइम विजन का ही ऑफिस है और आपको अगर 64 गज का 80 गज का और 120 गज का मकान अगर चाहिए तो आप अरशद भाई से रब्ता कर सकते हैं। अरशद भाई ये दिखाएं जरा सर क्या नक्शा वगैरह है? सुजानी टाउन का नक्शा है जो हमने लास्ट अभी आपको विजिट कराया है, क्या मकान नंबर था सर? सर मकान नंबर इसका N1076। देखिए भाई ये जो आपको मकान नंबर नजर आ रहे हैं ना ये N कैटेगरी है और ये KDA के मकान है और KDA का नक्शा है ये, जिसमें आप यहाँ पर अपनी बुकिंग अपना मकान खरीद सकते हैं। सॉरी बुकिंग का बोल दिया मैंने। तो ये देखिए ये एक स्टेट है पूरी। और सर मुझे बताएं कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, लोकेशन में समझा दीजिए। मेन पावर हाउस चौरंगी है के इलेक्ट्रिक के दफ्तर से पहले, टाइम विजन ऑफिस। सर जरा बताएं नंबर क्या है? मोबाइल नंबर है हमारा 03132777173।
मोहम्मद अशर नाम है। जब चाहें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 24 आवर ये नंबर मौजूद है हमारा, चाहे आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें, चाहे तो कॉल पे रब्ता करें। ठीक है भाई, देखें किसी को भी अगर मकान चाहिए 64 गज का तैयार, और उन लोगों के लिए जिनके अभी अभी हिस्से हुए हैं और वो अगर अपना मकान ढूंढ रहे हैं, उनको बना बनाया मकान चाहिए वो भी 99 ईयर लीज, तो टाइम विजन के ऑफिस में आ जाएं, 3 महीने के अंदर ये पेमेंट करें और चाबी हैंडओवर करें, जिसकी पेमेंट वन शॉट है, एक हफ्ते में पेमेंट, एक हफ्ते में पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, सर मुझे बताएं, एक बार बताएं ये मकान नाम कहाँ से होते हैं? ये मकान रजिस्ट्रार ऑफिस से होते हैं, जिस तरह KDSS की वेरिफिकेशन होती है, सब रजिस्ट्रार गडाप टाउन 2 से इसकी रजिस्ट्री होती है, जिसमें आप सैलरी या तो पावन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।